गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में। प्योर टाइम सुबह का 10 और अभी हम फिर से आपको रास्ता देखकर पता लगी गया कि हम कहीं की ओर जा रहे हैं। तो आज फिर से जा रहे हैं रामपुर, आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा जहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे, तो हम भी वहीं जा रहे हैं फिर से। और अभी फिर से पहुँच चुके हैं रामपुर में और ऊपर है ग्राउंड और पहुँच चुके हैं ग्राउंड में। तो अभी मैच चल रहा है, बहुत सुंदर दर्शक भरे हुए। पर मनोज चले आलोक, अब मनोज के लिए गेंद, बारह अच्छी लंबाई की गेंद और उससे खेल गया वहां पर, फिर से हवा में जरूर, लेकिन फील्डर की बहुत से दूर और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। मनोज के पास 4 बेहतरीन चौके इनके बल्ले से निकलते हैं, इस बार अच्छी इधर अलग तैयार एक बार फिर से सामने है मनोज, अच्छी गेंद और से लाभ जरूर करना चाहते हैं। आशीष त्रिपाठी एक बार फिर से बार लगातार अपने दूसरे ओवर में जिस समय आशीष के द्वारा वेट, अच्छी गेंद अगेन काफी हवा में जरूर, फील्डर गेंद के नीचे और जिस समय ड्रॉप होता हुआ उसको फील्डर का साथ नहीं मिला और गेंद इस समय मिड विकेट मिडा की मारेगा की तरफ, 6 रनों के बल्लेबाज मनोज के बल्ले से सामने मोहन और इस बार मोहन 2 ओवर बाउंड्री इस समय लक्की जी आलोक के ओवर में फील्डर मौजूद वहां पर और जब तक गेंद को फील्ड कर तो इधर आलोक इधर मोहन जा रहे आलोक, अच्छी गेंद अंदर आएगा बिल्कुल इस समय उनके ऊपर चार्ज डिलीवरी फेंकने का एक प्रेशर जरूर और इधर स्ट्राइक अभी भी बल्लेबाज है देवेंद्र के पास की गेंद एक बार फिर अमित के पास जबकि सामने है देवेंद्र और फिर से ओवर बीच गेंद और फिर से एक और से तो 4 छक्के इस ओवर में खा चुके हैं अभी तक अमित, तो अपनी लाइन लेंथ के ऊपर बहुत ही देवेंद्र के 5 छक्कों की मदद से इस समय 25 रन को बल्ले और 8 गेंदों के ऊपर 32 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए देवेंद्र। वहीं अब यहां से अंतिम ओवर फेंका जाना शेष, तो जो 140 रनों का प्रिडिक्टेड स्कोर था उसको पार कर चुकी है इस समय गौरी गोड की, ब्याज भी 160 बनाए तो बड़ा हो। तो अनूप तिवारी की तरफ से अब जितने भी छक्के लगाएंगे प्रत्येक तो भैया टावर तोड़ बल्लेबाजी जो हो रही थी उसके ऊपर जानते हुए कि बिल्कुल पुरस्कार प्राप्त कर सकते थे और मोहन नहीं हो पा रही है, लेकिन मोहन टावर तोड़ बल्लेबाज मोहन और टावर चल रहा छक्का मोहन के बल्ले, टोटल को पार कर पाएगी गौरीकुंड की टीम और निश्चित तौर पर कर पाएगी क्योंकि अच्छी बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज इस समय कर रहे हैं और ओवर भी गेंद इस बार छक्का स्ट्रॉन्ग गेंद जाती हुई मैदान की मारे के जवाब 4 और चौका निकलता हुआ मोहन के बल्ले और कैप्टन लीडिंग द फ्रंट मनोज पांडे टावर तोड़ बल्लेबाजी, ओ भाई हवा में जरूर फील्डर गेंद के नीचे पहुंचे तो उनके टीम कैप्टन के द्वारा 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इधर मोहन अभी बनाने 159 रन फाटा को और गौरीकुंड ने बना दिया 158 रन, तो अभी दिखाते हैं आपको दूसरी पारी गौरीकुंड की। तो अमिता हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म पर राउंड विकेट और ये गेम और शॉर्ट विकेट लॉन्च कर दिया है गेम को, इसका इलाका सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तो पहली गेंद और एक डबल के मन पर आज छक्का वहां पर मयंक के बल्ले से लगता हुआ, तो निश्चित रूप से जबकि सामने है बल्लेबाज मयंक बेहतरीन बल्लेबाजी सलामी बल्लेबाज के द्वारा एक बार फिर से बल्लेबाज राइट आर्म राव ने विकेट रखा लॉट कर दिया है गेम को, अच्छी मारे खाते जा रही है
राइट आर्म ओवर विकेट, इस गेंद को लॉस कर दिया है, लॉन्ग ऑन अच्छी मारेगा के बाहर गेंद छह रनों के लिए, बहुत बढ़िया भाई। राइट आर्म राउंड विकेटर ये गेंद और काफी दूर प्रसाद हमसे दूर जाते हुए, राइट आर्म राउंड विकेट और ये गेंद और इस गेंद को निकाल दिया से गुरु प्रसाद हमसे दूर जाते हुए, ये गेंद और इस बार इस गेंद को निकाल दिया है वहां पर पॉइंट के क्षेत्र में, सामना करेंगे मोहित तो ओवर भी गेंद और मिडॉन सीमारे का विक्रम खेल दिया है, गेंद जाती हुई सीमारे का जबार बहुत बड़ा लक्ष्य बोर्ड पर सेट किया है। ओ भाई आज जूते मुके हैं जी, एक और मौका जरूर कहते हैं गुरु प्रसाद फिर से अपने कोटे का दूसरा पारी के लिए चौथे ओवर में भी लगातार जारी रखते हुए और इस बार अच्छी गेंद की गेंद देखते हैं, अगर मैं बात करूं गुरु प्रसाद की तो फिल्डर थोड़ा बैट्समैन छोटे लोग हैं तो उन्हें प्लीज एक उछाल लेती हुई, इसके अलावा एक सेकंड स्लिप एक डीप पॉइंट एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर अमित ऑफ अमित ऑन अमित विकेट इसी पीछे चले ये गेंद और इस बार तो सबकी स्ट्राइक होगी बल्लेबाज मित्री के पास, तो नितिन चमलोकी को प्रत्येक छक्के पर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, तो अच्छा है बोर्ड होता हुआ लगी कम फिरती हुई निश्चित तौर पर खतरनाक एक्शन नजर आता हुआ इस तरह ग्राउंड के ऊपर और एक और शुरुआत करनी बाकी, वही गुरु प्रसाद छब्बीस रन हो गया तो नितिन चमलोकी को जबकि सामने होंगे शुभम और इस बार नितिन लॉस्ट करना चाहते थे पूरी तरीके से चुके हैं बुला ले गई सब एक शाम के खान पे भाई काम बल्लेबाजी करने के लिए डिलीवरी और सिग्नल भी देखना बहुत करीबी मामला है, अरे नो बॉल का इशारा स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से इस समय देखने को मिलता, जब तक गेंद फील्ड होती है और ये क्या रन आउट है यार, जी हाँ रन आउट नो बॉल और रन आउट बल्लेबाज आउट हो चुके गवर्न चोर से राइट आर्म राउंड विकेट शॉर्ट विकेट के राजेश अभिमान थी क्योंकि गवर्न चोर से राउंड विकेट शॉर्ट विकेट में कुछ तब्दीली करते हुए तो इसी बीच चले इमान थे राइट आर्म राउंड विकेट ये बाहर अब यहाँ से जीत के लिए मात्र 102 रनों की आवश्यकता तो इसी बीच ये गेंद और इस कवर के क्षेत्र में गेंद गेंदबाजी करेंगे, इस बीच शॉर्ट विकेट गेंद आउट नहीं कर दिया है पहले के क्षेत्र में गगन सिंह भी छक्का भी शामिल है तो इसी बीच चले ही मान को ये गेंद और बार बिल्कुल ये मैच एक तरफा कह सकते हैं हम इस मैच को जितना की जय माँ गौरी गोरी गुण ने एक विशाल लक्ष्य के सामने खड़ा कर दिया था गोल्डन कलर फाटा के सामने निश्चित रूप से गोल्डन कलर फाटा के बल्लेबाज शुरू से ही दबाव में थे और उस दबाव में सामने खता खोला है बल्लेबाज ने जबकि टीम को स्कोर पहुंचा है इस खतरा ने 8 विकेट के नुकसान दिए तो अब सामना करेंगे हाथ के बल्लेबाज अच्छे जबकि गेंदबाज सौरव हमसे दूर जाते हुए राउंड विकेट और शॉर्ट विकेट लेना उस गेंद को खेल दिया है वापस बॉलर की दिशा में तो कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं मैच समाप्त और मैच जीत चुके हैं जमा गौरी 98 रनों से।